तो गाइस फाइट होने के बाद में माजिन बू और गोकू के बीच में ये दोनों के दोनों सामने खड़े हो गए हैं। गोकू अपने मन ही मन में सोच रहा है, मैं इस बंदे में एक सिंगल डेंट भी नहीं ला पाया। तभी एक साथ गोकू को ट्रंक्स की एनर्जी सेंस होती है, कहता है कि अच्छा तो यानी कि ट्रंक्स को ड्रैगन रडार मिल गई है और वो वेस्ट सिटी को अब छोड़ के जा रहा है। तो यार इतना सीन होने के बाद में गोकू वापस से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ गया है। माजिन बू कहता है, हे तुमने क्यों छोड़ दिया? बू को अच्छा लगता है तुमसे फाइट करना, बू को और ज्यादा लड़ना है। गोकू फिर कहता है, मेरे को सुन के काफी अच्छा लगा पर शर्म की बात है मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, मेरे को अभी वापस जाना होगा। फिर जब भी भाभी डी कहता है कि हम तुमको अब ऐसे नहीं जाने देंगे, माजिन बू इसे मार डालो, इस चीज को मत भूलना मैंने क्या कहा कि तीन बंदे पूरे के पूरे तुम्हारे सामने आएंगे भाभी डी बस दो दिन के अंदर, तुम बस अपने आप पे एक एहसान करो कि तुम इन सारी ट्रबल से दूर हो जाओ और थोड़ा सा इंतजार करो। फिर माजिन बू कहता है, क्या वो भी ऐसे ही ताकतवर हैं? भाभी डी फिर हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या सच्ची में ऐसा लगता है कि जो तुम कहोगे हम वही करेंगे? गोकू फिर कहता है कि मेरा मतलब बस मैं तो माजिन बू के साथ जब फाइट कर रहा था तो बस इंजॉय करना शुरू कर ही रहा था अपने आप को। और इतना कह के गोकू गायब हो गया। भाभी डी फिर हल्ला करके कहता है, वो गायब हो गया, वो यहाँ से चले गया, ये तुम्हारी गलती है, तुमने बहुत टाइम वेस्ट करा उसके साथ में और अब जाओ और उसे ढूंढो। माजिन बू फिर कहता है, लॉर्ड भाभी डी बू के पास में एक अच्छा आइडिया है। भाभी डी कहता है, क्या एक अच्छा आइडिया? और यह पकड़ा और धमका दिया, कह रहा है कि अब तुम बोल नहीं सकते। क्या बोल सकते हो तुम? अब तुम मेरे को इस वजह से अब वापस से सील नहीं कर सकते। बू ने बहुत कुछ सीखा तुमसे पर बू को अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और एक ही घूंसे में इसका तो चलो यार लॉर्ड भाभी डी का तो काम हो गया, फिर यार ये नाच कैसे रहा था आपने देखा। और अब बू बोल रहा है कि अब बू को स्ट्रॉन्ग गाइस का इंतजार है, बू जब तक इंतजार करेगा तब तक अर्थ के लोगों को मारता रहेगा। और यहाँ से यार लूट चले गया माजिन बू तो अपना और किधर गया यार। तो यार यहाँ पर दूसरा सीन आ गया है और गोकू और पिकोलो यहाँ पर खड़े होकर नीचे देख रहे हैं। गोकू कह रहा है, चलो लो चले अब हम, अब भाभी डी चले गया है, अब माजिन बू को कोई नहीं रोक पाएगा जो भी वो आतंक मचाएगा। पिकोलो कह रहा है, क्या हुआ गोकू? गोकू फिर कहता है, क्या हुआ? ये हुआ कि मैं ऑफिशियली फिट चुका हूँ। किसको पता था कि सुपर सैयन 3 के अंदर ट्रांसफॉर्म करने पर मेरी बॉडी पे इतना असर पड़ेगा। अब ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, अब मेरे पास यहाँ पर कम समय बचा है। पिकोलो कहता है, तो फिर जब तक उन बच्चों को हमें परफेक्ट बनाना होगा फ्यूजन टेक्निक के अंदर। इस प्लेनेट के पास में वो दोनों आखिरी मौके हैं। और यार यहाँ पर ये कौन आ रहा अड़ता हुआ इन दोनों के पास में? ये तो ट्रंक्स है। ट्रंक्स कह रहा है, मेरे को मिल गया, ये ड्रैगन रडार है ना? गोकू कहता है, ठीक है फिर। और यहाँ पर ये ऊपर की तरफ पहुंच गए हैं और लग रहा है यहाँ पर अभी ट्रेनिंग देने वाला है। गोकू कह रहा है, देखो हमारे पास सच्ची में ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो तुम अपने आप पे एक एहसान करना कि तुम तैयार हो जाना। फिर गोटेन ट्रंक्स पूरे हाई जोश में कहते हैं, यस सर। तो गोकू कहता है, तुम दोनों को अपनी एनर्जी को मैच करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर कोई बात नहीं, उसे तुम बाद में कर सकते हो, पहले हम हार्ड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो फिर ध्यान रखना और ध्यान से देखना। तो फिर फ्यूजन पोज के लिए तुम दोनों को एक दूसरे का मिरर बनना पड़ेगा। तो अब मैं तुम्हें पोज दिखाने जा रहा हूँ, तो फिर अपनी आंखों को बंद मत करना, ठीक है? पहले तुम आपस में एक दूसरे से थोड़ा अलग रहना और फिर ये करना और फिर अपने आर्म्स का एंगल देखना। तो गोकू अब हल्ला करते हुए, यार क्या बच्चे ऐसी चीज कर रहे हैं, कह रहा है अब तुम्हारे आर्म्स जब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होंगे तो फिर तुम्हें तीन स्टेप आपस में पास आना और फिर तुम अपने हाथ से मुट्ठी बनाओ और फिर अपने पांव का भी एंगल को देखना और एक साथ ऐसे करना और अपनी फिंगर्स को बिल्कुल ऐसे ही रखना और फिर अपनी टांगों को इतना चौड़ाना बिल्कुल मत भूलना। तो यार ये इसने तीन पोजीशंस पता डाली, तीन या चार जितनी भी थी। ट्रंक्स कह रहा है, क्या हमें ये करना पड़ेगा? ये काफी ज्यादा अजीब है। गोटेन कहता है, हाँ। गोकू कहता है कि अब इन चीजों को आसान बनाने के लिए तुम मेरे को और पिकोलो को अब फॉलो करना। अब हम ये तुम्हारे लिए करेंगे। पिकोलो कहता है, रुको, क्या हम? और फिर जब फिर गोकू कहता है, बिल्कुल इसी तरीके से तुम दोनों को ऐसे मूव करना है जैसे कि आपस में तुम एक रिफ्लेक्शन देख रहे हो मिरर के अंदर।
बिल्कुल देखो ऐसे करना है। तो यार गोकू कह रहा है ठीक है अब तुम्हारा टर्न है। तो यार देखते हैं अब ये क्या कर पाए दोनों के दोनों। One, two. गोकू कह रहा है यहाँ पे और ऐसा लग रहा है इनको कोई डांस सिखा रहे हैं क्या। जब भी बाबा आता है कहता है कि गोकू अब समय आ गया है कि तुम्हें दूसरे वर्ल्ड में ले जाया जाए। गोकू कहता है हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ। गोकू कहता है फिर पिकोलो अब ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। पिकोलो कहता है ठीक है। और यार इन सब ने गोकू को घेर लिया। क्रेन कह रहा है गोकू फिर मिलते हैं। अच्छा असलियत में नहीं पर तुम समझ गए ना क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। बुलमा कहती है गुड बाय गोकू। और यार देखो यार गोकू कहता है चलो चीची ऐसे दुखी चेहरा मत बनाओ तुम्हारे पास अभी भी गोटेन है ना। चीची कहती है पर अगर ये भी माजिन बू से मर गया तो। गोकू फिर कहता है डोंट वरी अगर एक बार इसने मास्टर कर ली इस टेक्निक को तो फिर माजिन बू एक भी बार टिक नहीं पाएगा। अगर मेरे को गोहान दूसरी साइड में दिखाई देता है तो फिर मैं उसे हाई कहूंगा तुम्हारी तरफ से। चीची कहती है ओके। विडेल कहती है मेरे को एक ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि गोहान अभी भी जिंदा है क्या। गोकू कहता है मेरे को उम्मीद है तुम सही होगी। विडेल कहती है हाँ। बाबा फिर कहता है गोकू अब हमें जरूर चलना चाहिए। गोकू कहता है सही कहा। और गोटेन यार यहाँ पर एक साथ हाथ हटा के देखने लग गया। गोकू कह रहा है अब क्या हुआ गोटेन। चीची कहती है ओह हाँ मुझे पता है तुम अपने पापा से गले मिलना चाहते हो है ना। गोकू कहता है ओह क्या यही तुम्हें चाहिए तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। और ये आसमान में उठा दिया और गोकू कह रहा है गोटेन अपनी मॉम का अच्छे से ध्यान रखना। गोटेन फिर समझ के बोलता है ठीक है। और यार काफी ज्यादा उदास चेहरा दिखाई दे रहा है पर यार काफी क्यूट लग रहा है अभी गोटेन। गोकू कह रहा है ऑल राइट एवरीवन मैं जा रहा हूँ और जब तुम मर जाओ तो मुझे ऊपर दिखाई देना। और यहाँ पे यार देखो गोकू बिल्कुल फिल्मी सीन्स की तरह गायब हो गया। क्रेन कह रहा है यार मेरे को नहीं पता कि गोकू के पास कितना केयर फ्री एटीट्यूड कैसे है अपनी डेथ को भी लेकर। तो गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और देखते हैं कि यार आगे माजिन बू के साथ क्या क्या पंगे होने वाले हैं। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए टाटा बाय बाय।